कक्षा 10 एक्सरसाइज 9.8 का हम तीसरा प्रश्न करने जा रहे हैं। प्रश्न है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में दो फिसल पट्टी लगाना चाहते हैं। फिसल पट्टी आई होप आप समझते हैं, जिसपे पौड़ियां चढ़ के और आप ऐसे फिसल के नीचे आते हैं, जिसको हम स्लाइड कहते हैं। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री कोण पर झुका हुआ हो। तो आइए देखते हैं, जो छोटे बच्चे हैं उनको ऐसी फिसल पट्टी चाहिए जो ज्यादा ऊंचाई से ना जाए, किस प्रकार से। तो ये 5 साल से छोटे बच्चों के लिए, ये फिसल पट्टी की सीधी सीढ़ी मान लीजिए इसको, ये धरती है और ये है फिसल पट्टी जो कि धरती के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है और इसकी जो ऊंचाई है यह 1.5 मीटर है। यानी धरती से फिसल पट्टी की ऊंचाई, यानी जो सीढ़ी आप चढ़कर ऊपर जाएंगे वो 1.5 मीटर है। इसी प्रकार से जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर, अब जो दूसरे बड़े बच्चों के लिए फिसल पट्टी बनेगी वो ऊंची बनेगी, तो इसकी जो ऊंचाई होगी 3 मीटर हो गई और यह की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहते हैं जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। अब यह भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है। देखिए, छोटे बच्चों के लिए ऐसी बनेगी जो सीधी ऐसे धीरे 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 जाए, बड़े बच्चों के लिए ऊंची फिसल पट्टी बनी जिससे बच्चे तेज नीचे जा सके। ठीक है, तो इस प्रकार से 2 अलग अलग फिसल पट्टियां एक ठेकेदार बनाना चाहती है। अब प्रश्न है, प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो हमें हर स्थिति में दोनों ही भागों में हमें यह जो फिसल पट्टी की लंबाई है यानी कि H और H, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो इस त्रिभुज को हम मान लेते हैं त्रिभुज A B C और इस त्रिभुज को मान लेते हैं त्रिभुज P Q R। तो मैं सबसे पहले लिखता हूं इन ट्राइंगल A B C, यानी त्रिभुज ABC में। अब आप देखिए कि हमें परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो एक हमेशा से तरीका हम ये करते हैं कि जो निकालना है उसको ऊपर रखते हैं, हाँ, जो निकालना है उसको ऊपर रखते हैं, जो हमें दिया हुआ है उसको नीचे रखते हैं। हाइपोटेन्यूज बटा परपेंडिकुलर, अब ये किसका फॉर्मूला हो गया, हाइपोटेन्यूज बटा परपेंडिकुलर। देखो, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज होता है साइन थीटा का फार्मूला, तो हाइपोटेन्यूज बटा परपेंडिकुलर होगा साइन थीटा का उल्टा यानी कि कोसेकेंट थीटा, और ये बराबर होगा कोसेकेंट थीटा है 30 डिग्री। ठीक, अब हाइपोटेन्यूज हमें हाइपोटेन्यूज हमें कितना दिया हो, नहीं दिया हो, हम इसको लेंथ, उसकी नाम लेंथ का नाम है एसी बटा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमें दिया हुआ है 1.5 मीटर बराबर सेंटीमीटर, नहीं बेटा मीटर होगा क्योंकि पार्क में फिसल पट्टी है, सेंटीमीटर से इतना सा होगा, है ना, बराबर कोसेकेंट थीटा। अब हम ट्रिग्नोमेट्री का जो टेबल हमने पढ़ा था पिछले एक्सरसाइज में, उसमें यदि हम देखते हैं तो कोसेकेंट 30 का जो हमारे पास वैल्यू है वो है 2। कोसेकेंट 30 किसके बराबर है, 2 के। तो अब यहां से देखिए एसी किसके बराबर आ गया, 2। 1.5 मीटर इसके साथ भाग हो रहा, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो इसका मतलब एसी किसके बराबर आ गया, 1.5 को 2 से गुना कर दो तो ये हो गया 3 मीटर। 1.5 मतलब डेढ़, डेढ़ को 2 से गुना कर दिया तो उसका उत्तर आ गया 3, यानी 3.0 यानी कि 3 मीटर। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पहले फिसल पट्टी की जो लंबाई आ गई वो आ गई 3 मीटर। अब हम दूसरा त्रिभुज देखते हैं इन ट्राइंगल पी क्यू आर। इस त्रिभुज में भी यदि हम देखें, हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए और जो हमें दिया हुआ है वो है परपेंडिकुलर, और जब हाइपोटेन्यूज बना परपेंडिकुलर होता है वो होता है कोसेकेंट। और लेकिन यहां पर पहले वाले त्रिभुज में जो कोण था वो था 30 डिग्री, दूसरे वाले त्रिभुज में जो कोण है वो है 60 डिग्री, तो यहां हम लेंगे कोसेकेंट 60। अब हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, हाइपोटेन्यूज, इस केस में हाइपोटेन्यूज का नाम है पी आर बटा, परपेंडिकुलर है 3 मीटर बराबर
कोसेकेंड 60 की वैल्यू कितनी होती है? कोसेकेंड 60 की जो वैल्यू है वो है 2/√3। अब यहां से 3 इसके साथ भाग हो रहा है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा, तो ये आ गया पी आर बटा 2 × 3/√3, यानी कि ये हमारे पास आ गया 6/√3। और ये साथ में इसके मीटर भी था, मीटर था तो मीटर। लेकिन हमें बहुत अच्छे से पता है कि कभी भी हमारे पास जो उत्तर आएगा उसमें नीचे यानी हर पे अपरिमेय संख्या यानी रूट वाली संख्या नहीं होनी चाहिए, अगर होगी तो हम इसका परिमेयकरण करेंगे। तो ये √3 है, हमारे पास है 6 मीटर/√3, इसको हम ऊपर भी √3 से गुना कर देंगे और नीचे भी √3 से गुना कर देंगे। ये परिमेयकरण हमने 9वीं कक्षा में सीखा हुआ है। तो आप देखिए हमारे पास आ जाएगा यह 6 मीटर × √3/ नीचे आ जाएगा √3 × √3 होता है 3, ये 3 से यह 6 कट जाएगा 2, तो अब हमारे पास पी आर आ जाएगा 2 × √3 यानी कि 2√3 मीटर। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हमारे पास पहली फिसल पट्टी की जो लंबाई आई है वह 3 मीटर आई है, दूसरी फिसल पट्टी की जो लंबाई आई है वह आई है 2√3 मीटर। यही इस प्रश्न का उत्तर है।